अर्नब महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर मैं नंबर स्क्रीन पे फ्लैश करें ना स्क्रीन पर जी, वाह, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी एक स्वीपिंग पोजीशन के अंदर दिख रही है, 142 से 147 सीट्स के बीच में जीत रही है। बीजेपी के साथ होना शिवसेना को भी फायदेमंद दे रहा है और शिवसेना की भी सीट्स बीजेपी के गठबंधन के कारण बढ़ रही है, जहां बहुत सारी सीटें पे शिवसेना को बेस वोट बीजेपी दे रही है और शिवसेना की सीट 83 से 85 आ रही है। कांग्रेस और एनसीपी पार्टी करके कुछ नहीं अर्नब, ये जो भी कैंडिडेट जीत रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल दम पे जीत रहे हैं, पार्टी वोट करके कुछ नहीं है। कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो भी अपने बलबूते पे जीत रहे हैं। लार्जर पिक्चर ये है कि बीजेपी शिवसेना अपने आप में महाराष्ट्र के अंदर 227 सीट्स तक ला रही है, जो काफी ज्यादा है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 85% से ज्यादा है। बीजेपी का जो डोमिनेंट वोट कर रहा है, मराठा वोट पहले एनसीपी के साथ हुआ करता था, अब न्यू मराठा पार्टी बीजेपी बन रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि जो बंजारा समाज है वो पूरा बीड और बाकी के इलाके में एक तरफा बीजेपी के साथ जा रहा है। ट्राइबल वोट जो पहले कांग्रेस का हुआ करता था, वो ट्राइबल वोट में 40% तक बीजेपी नासिक और उसके जो रूरल एरियाज है उसमें बिल्ड कर रही है। एक जो नंदूरबार करके मैं उदाहरण देना चाहूंगा, एक जिला आता है जहां पहले कांग्रेस हुआ करती थी 30-30 सालों से, उस जिले तक में बीजेपी आ रही है। तो महाराष्ट्र इज अ क्लीन स्वीप फॉर द बीजेपी अलोंग विद शिवसेना एंड देयर इज नो पार्टी वोट फॉर कांग्रेस एनसीपी व्हिच इज देयर।